30 के बीच में लाई करते हैं
डिजिट छोटी है, इट मींस दैट दिस 13 विल काउंट्स फॉर राउंड टू द 10. ये 10 के राउंड टू भी आ जाएगा. सो 13 विल बी राउंडेड टू द 10. ओके, 13 जो है वो राउंड टू के कहां जाएगा, 10 पे आ जाएगा. ओके, नाउ वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 50 एंड 10. अब हमें 50 एंड 10 का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो 10 एंड सॉरी 15 और 10 को जो आप सबट्रैक्ट करेंगे तो चेक करेंगे क्या आंसर आएगा. Yes, 50 minus 10, 0 minus 0, 0 and 5 minus 1, 4, that is 40. 40 is our answer, right? It means 40 is our required answer. Now, let's do the second question of this question, okay? Of this exercise, question number 2 is 939 minus 283. Okay, 939 minus 283. Now, arrow has been given under test cases. जो arrows हमें given हैं, वो कौन सी test पे given है? Test case पे, right? यहाँ पे 8 के नीचे given है, यहाँ पे 3 के नीचे, right? It means these are test cases. That means that we have to round off these numbers to the nearest 10. Okay, जिस भी arrow के नीचे नंबर के नीचे जिस भी डिजिट के नीचे एरो मार्क होगा इट मींस आपको उसी प्लेस के ऊपर नंबर को राउंड ऑफ करना है. 1 स्टैंड्स एंड 100, राइट? तो 10 स्पेस वन, अगेन दिस इज 1 स्टैंड्स. सो जो 8 है वो 10 स्पेस पे है एंड एरो जो है वो 8 के नीचे है, इट मींस कि 10 स्पेस डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है. नाउ सो स्टार्ट राउंडिंग ऑफ दीज नंबर्स. Yes. First of all, check that at which place we round off. We need to round off the numbers. We have to round off the numbers at the nearest 10. So we write this digit as it is on the left hand side. जिस place पे हमें करना है, उस digit को हम as it is left hand side पे लिख देंगे. Okay. And right hand side पे मैं क्या लिखूंगी? उसका successor number. ठीक है, successor क्या आ जाएगा? बट यहाँ पे हमारा 9 एज इट इज लिखा हुआ है 100 प्लेस पे. 9 जो हमारा 100 प्लेस पे है उसका क्या करेंगे हम? उसको हम दोनों साइड्स एज इट इज लिख देंगे. ठीक है, उसको दोनों साइड्स में 100 प्लेस पे ही हम राइट डाउन कर देंगे. इट मींस 939 लाइज बिटवीन 930 एंड 940. 939 के टू नंबर्स के बीच में लाई करेगा, 930 एंड 940 के बीच में लाई. Now we compare its one space visit. Why? Because we have to round off the number to the nearest 10. जिस place पे round off होगा उससे just पहला छोटे वाली जो place होगी हम उस visit को compare करेंगे with 5. 5 के साथ compare करेंगे. So now comparing this 9 with 5, we can see that 9 is greater than 5. 9 जो है हमारा greater है 5 से. So it means that this number will be rounded. 940, right? 940 पे राउंड ऑफ हो गया हमारा. नाउ 283 को भी हम इसी वे से राउंड ऑफ करेंगे, राइट? 8 हम एज इट इज लिख देंगे. यहाँ पे क्या आएगा? राइट हैंड साइड पे हमारा इसका सक्सेसर नंबर, राइट? यहाँ पे 1 डिजिट पीछे है, 110 जीरो हमने लगा दी एंड ये जो 2 है हम दोनों साइड में 100 प्लेस पे एज इट इज लिख देंगे. इट मींस 283 लाइज बिटवीन 280 एंड 290. Now we check the number, we compare its one space digit with 5. हम one space digit को compare करेंगे with 5. So we can see that this 3 is less than 5. So this number will move to the left hand side, okay, or the smaller side. That means that 283 rounded to the 280. Can't subtract
240 माइनस 280 इज इक्वल्स टू 660. ओके, 660 इज अवर रिक्वायरमेंट.